बना रहा हूं मैं ओपन, जो भी तुम्हें फाइल बना सकते हो, आई वॉन्ट टू मेक अ फाइल में भी दैट नेम इज कुछ भी नाम, मे बी डी डॉट टी एक्स टी, आई एम जस्ट मेकिंग डी डॉट टी एक्स टी हियर एंड नाउ, सॉरी टी एक्स टी नहीं, क्या होता है टी एक्स टी होता है ना, ठीक है टी एक्स टी होता है, यस सर टी एक्स टी होता है, टी एक्स टी ना, टी एक्स टी यस सर, ये ई थोड़े होता है, ई नहीं होता है ना, नहीं सर ई नहीं होता है, सी सपोज एंड देन यू हैव टू गिव द मोड लाइक हियर यू आर राइटिंग टी डॉट टी एक्स टी, तो यू आर मेकिंग टी डॉट टी एक्स टी फाइल एंड देन यू हैव टू गिव मोड, देखो मोड बहुत सारे होते हैं, डब्ल्यू मोड राइट करने के लिए, ठीक है आर मोड रीड करने के लिए, ए मोड अपेंड करने के लिए, मान लो कोई ऑलरेडी फाइल बनी हुई है तुम्हें कुछ अपेंड करना है तो ए मोड में ओपन करो, ठीक है और भी बहुत सारे मोड होते हैं, जस्ट मिनट की लेट मी, एक दो मोड नहीं होते, बहुत सारे मोड होते हैं, मैं तुम्हें बोलता सुनो, जैसे तुम्हारा देखो W मोड है राइट करने के लिए, R मोड है W प्लस राइट प्लस रीड, R प्लस रीड प्लस राइट, A प्लस अपेंड प्लस अपेंड एंड रीड, X होता है एक्सक्लूसिव करने के लिए, तो मैं तुम्हें इसका फोटो भेजता हूँ, तुम इसको ढंग से पढ़ लेना मतलब इसको रख लेना अपने पास, कभी भी तुम फाइल हैंडलिंग करो तो इसको देख लेना एक बार, सो जस्ट अ मिनट लेट मी गिव यू योर ग्रुप, ठीक है ये सारे मोड होते हैं और एक और मोड होता है ये एक्स मोड होता है, इसको देख लो बस काम हो जाएगा तुम्हारा, डन, इससे ज्यादा मोड नहीं होते, ठीक है सो ये सारे मोड हैं, सो मान लो मैं अब यहां पे लिखता हूँ राइट मोड और राइट लिखता हूँ डब्ल्यू मोड और मैं इसको ओपन करता हूँ सी, ठीक है सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ, मैंने इसको ओपन कर दिया, अब मैं ओपन क्यों किस मोड में, राइट मोड में, सपोज मैं इसमें टेक्स्ट ओपन कर राइट करना चाहता हूं, तो मैं लिखा मान लो के इज इक्वल टू कोई टेस्ट लिया, मैं भी लिखा इंडिया इज अ कंट्री, जस्ट जस्ट लाइक दिस, स्पेलिंग गलत है ना, ठीक है सो मैंने लिखा और मैं इसको इसमें राइट करना चाहता हूं, लिखो एफ डॉट राइट के, लिसन देखो अब मैंने इसको राइट कर दिया, इसके अंदर देखो ये ओपन राइट कर दिया, अब मैं इसको देखना चाहता हूं, तो इफ आई राइट एफ डॉट रीड सी केयरफुली, देखो क्या होता है एरर आ गया, क्योंकि आपने इसको रीड मोड में खोला है, सिर्फ राइट मोड में खोला है, तो राइट मोड में खोला तो आप राइट कर सकते, इसको रीड नहीं कर सकते, देख पढ़ नहीं सकते इस फाइल को, तो आप पहले तो इसको क्लोज कर देना चाहिए, क्लोज कर दो फाइल को, आपका काम हो गया, आप इसको क्लोज कीजिए, ठीक है क्लोज करने के बाद वापस इसको खोलिए फाइल को और रीड मोड में खोल दीजिए इसी फाइल को, सपोज आई एम राइटिंग एफ इज इक्वल टू डी डॉट टी एक्स टी, नाउ आई एम ओपनिंग I'm opening in read mode and then I'm sorry यार I'm now opening f dot read see carefully I'm writing इन्होंने क्या लिखा था हमने India is a country so write W for write mode R for read mode okay so you can always open a file read and then we can ये कर सकते हैं अच्छा एक चीज और देखो suppose again I am opening the same file देखो मैं अगेन ओपन करता हूँ इसको राइट मोड में ठीक है मैं अगेन इसको राइट मोड में ओपन करता हूँ ठीक है अब देखो क्या होता है राइट मोड में कुछ लिखता नहीं हूँ फिर से इसको क्लोज कर देता हूँ फिर से इसको क्लोज करता हूँ फिर इसको मैं रीड मोड में ओपन करता हूँ और फिर मैं इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ सी केयरफुली देखो एम्प्टी हो गया एक्चुअली अगर आपने सेम फाइल राइट मोड में ओपन किया तो वो सब कुछ डिलीट कर देगा ठीक है तो अगर आपके फाइल में ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हो तो आप राइट मोड में मत ओपन कीजिए अगर कुछ लिखना है तो किसमें ओपन कीजिए अपेंड मोड में ए में ये तीन इंपॉर्टेंट है रीड राइट अपेंड है ना अब देखो एक चीज और मोड है मान लो मैं एक नई फाइल खोलता हूँ सी केयरफुली चलो मैं इसी फाइल की बात करता हूँ मैं इसी फाइल को वापस से खोलता हूँ और सपोज आई एम सेइंग एफ डब्ल्यू राइट मोड में किया और मैं इसमें कुछ राइट करता हूँ एफ डॉट राइट मे बी आई एम राइटिंग समथिंग ओके लाइक दिस एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू रीड दिस सी केयरफुली व्हाट इज दिस
सिस्टम में रखना, एक मिनट बस। देखो यार यहाँ पे अगर हम करते हैं एफ, सपोज रैम राइटिंग एफ टू, तो ये ओपन कर रहा हूं डेटा को राइट मोड में, और राइट प्लस रीड, डब्ल्यू प्लस मतलब होता है राइट प्लस रीड होता है ना। देखना एक बार फोटो में मैंने क्या लिखा, व्हाट्सएप पर देखना एक बार फोटो भेजा ना। डब्ल्यू प्लस मोड का मतलब क्या लिखा है पढ़ो यहाँ पे, तो राइट एंड रीड डेटा इन अ फाइल टू प्रीवियस डेटा इन द फाइल विल बी डिलीटेड। हाँ तो राइट प्लस रीड होगा ना, तो राइट प्लस रीड है अगर, तो यहाँ पे हमने एफ, ये राइट हो गया, चलो इसको F2 लिख दो, ये राइट हो गया। राइट करने के बाद अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, सीधे रीड करता हूँ, तो क्या दिक्कत है, ये एम्प्टी क्यों दिखा रहा है? ओके सॉरी, केवल रीड करते है जो डेटा पहले से पड़ा है उसको। ओके सो एनी वे वी हैव टू क्लोज दिस एंड देन वी हैव टू ओपन अगेन इन रीड मोड। एनीवेज वॉकिंग, देखो बेटर यही है कि ऐसे तो मैं कभी यूज भी नहीं करता ये प्लस। देखो जेन्युइन तरीका ये है कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो मैं पढ़ाने में से बताता हूं। जेन्युइन तरीका है कि हम करेंगे इसको इसके साथ, विथ स्टेटमेंट, ठीक है, इसके साथ करेंगे। जेन्युइन तरीका ये है कि यू हैव टू ऑलवेज रीड एंड राइट विथ With statement, with statement क्या करता है? Automatically it will close the file. Suppose your code I'm writing with open and I'm opening new file.txt in write mode. I'm writing everything, just close it. And देखो अगर मैं फिर वापस से यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ तो ये error आएगा, क्योंकि मैंने close नहीं किया है, फिर भी देखो error आएगा। Suppose I'm writing f.write and giving some data, see error आ गया, वो कह रहा है close हो गया है file। Close क्यों हो गया है? क्योंकि with open है, ठीक है, तो in genuine case हम always with using this file with open, so वो आप close करना चाहते हैं automatically close करता है, और ये हो गया आपका open, automatically open भी हो, read कर लिया फिर से close हो गया, अगर फिर से read कर दो error आ गया, केवल open से जो ही बाहर आओगे वो अपने आप ही file को close कर देगा। तो general real case में हम ऐसे with open के साथ करेंगे read and write, okay, so देखो और सिंपल भी है, केवल आपको लिखना है with के साथ करना है बस, as if, और फिर आप सारा काम कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो एक काम करिए सब लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, एक फाइल बनाइए इंडिया नाम से, उसमें तीन लाइन लिखिए लूप से, एक फाइल बनाइए इंडिया नाम से, उसमें तीन लाइन लिखिए लूप से, कोई सा भी तीन लाइन लिखिए, और उसको रीड कराइए फिर। चलिए करिए, तीन लाइन लिखना है, ध्यान से रखना तीन लाइन, चलो करो जल्दी करो सभी लोग।
हो गया क्या यार? नहीं हुआ क्या? सिंपल क्वेश्चन है यार, नहीं हुआ? क्या बोला है? चार वही ना कि तीन लाइन लिखना है, यही ना? सो टू दिस यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? डन ना? ठीक है, वेरी गुड। तो कुछ इसका डन नहीं हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो दिस राइट अ प्रोग्राम, क्या करना था हमें, हमें करना था तीन लाइन लिखना है, ठीक है? सो पहले तो एक ओपन कर लो फाइल, एफ इज इक्वल टू ओपन, मे बी लेते हैं एक्स डॉट टी एक्स टी, कोई भी फाइल, लेट्स गो इन राइट मोड एंड देन लेट्स के इज इक्वल टू डिफाइन वन थिंग, मे बी डिफाइन एट द रेट, ओके, एंड देन से प्रिंट। अगर तीन लाइन तो पहले से पता है तो क्या करना है इसको, तो कुछ करना ही नहीं है। फॉर या फिर हाँ फॉर ले लो, फॉर आई एंड रेंज थ्री, तीन लाइन तो पहले से डिफाइन है। रेंज है, रेंज नहीं है, रेंज है। एक सेकेंड यार, जस्ट अ मिनट गाइस। गुस्सा आ गया क्या? सी फॉर आई इन रेंज, ठीक है थ्री, और आप क्या करते हैं फाइल ओपन राइट, क्या करना है हमें, ओपन है एक्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और राइट मोड में बोला तीन ही लाइन लिखना है अपने को, तो इनपुट लेते हैं यूजर से, राइट हियर प्रिंट, राइट योर डेटा, राइट योर डेटा एंड देन से लाइक दिस कॉमा, ठीक है, क्या मैं करूं इंट। अब एक्स इजिकल टू ले लो इनपुट, ठीक है, और उसके बाद क्या करो, एफ डॉट राइट, राइट क्या यार कौन है ये, हेलो क्या बोल रहे हैं, क्या करना है आपको बताएं? अरे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड यार, ऑलरेडी चार पांच क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, बस वर्थ सी केयरफुली। सो एफ डॉट राइट एक्स, ओके एक्स इनपुट हो गया, एफ डॉट एक्स राइट हो गया। अच्छा इसमें काम करो, स्लैश एन कर लो लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है, और बाकी तो ठीक है। See this? So let's write. I will go Delhi. कुछ ऐसा लिख लो, then लिखो will back. कुछ भी लिख लो, ठीक है, done. अब क्या करते हैं, F को same file को एक बार तो पहले close कर लो और फिर कर लो read mode में open. So F dot close और फिर इसको read mode में open कर लो और लिखो एफ डॉट रीड, आ गया। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे डायरेक्टली होता है क्या, ऐसे होता है ना, ये वाला होता है क्या, आई विल गो दिल्ली विल बैक, व्हाट इज दिस, इसको हटाना पड़ेगा क्या? स्लाइस इन होता है ना लाइन चेंज करने के लिए? यस सर, यही वाला होता है ना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यही होता है, मैं रुक जाऊँ कहीं पे किया होगा। होता तो यही यार, एक मिनट रुक जाओ। सही तो है, एक्स्ट्रा ट्राइट प्लस
खुद इसको एक्स वन करो यार, एक तो गड़बड़ है, फाइल का नाम भी वही है। आई विल गो डली, व्हाट इज दिस, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, दिख तो कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, सेम नहीं दिख रहा है स्लैश एंड, क्या चक्कर क्या है, और यहाँ पे एसटीआर लिखते हैं तो क्या फर्क हो जाएगा ऐसा। यार कुछ रंग लगा, एक मिनट देखो यहाँ पे देखो, कभी कभी ना पता नहीं क्या होता, देखो यहाँ पे सी केयरफुली, देखो मैंने सेम प्रोग्राम लिखा है यहाँ, बस मैंने ये लिख रखा है कि मैक्स कितनी भी बार लिखवा सकते हो, देखो जब तक कि वो एट द रेट पेस्ट नहीं करेगा तब तक लाइन बन सकती है। सी सेम प्रोग्राम, सपोज आई एम राइटिंग आई विल गो देयर, ओके मेक दिस जस्ट अ मिनट, सो आई एम गिविंग एट रेट तो बाहर हो जाएगा सी दिस, यहाँ पे लाइन चेंज होगा। एक मिनट, मैंने कहाँ पर वहाँ पर कुछ गलती करी है क्या, लेट मी गो देयर, आई थिंक आई डिड वन मिस्टेक देयर, कहाँ पे था, ओ ड्यू टू दिस लाइन विल नॉट चेंजिंग ना, ड्यू टू दिस ओनली, व्हाट लेट मी सी, आई एम राइटिंग एस प्रिंट देन व्हाट हैपेंड, I will go there. India. क्या मतलब है इसका, पता नहीं यार कुछ हो रहा होगा इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, है ना, डन है मिथिलेश ना, पता नहीं मैं ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा, बट एनीवे कभी कभी हो जाता है जुपिटर पे। ये देखो यहाँ पे वर्क कर रहा है सेम प्रोग्राम, ठीक है सी यार, देखो सेम प्रोग्राम वर्क कर रहा है, ठीक है, समटाइम्स जुपिटर में हो जाता है कुछ वर्क नहीं करता एक पर्टिकुलर, ठीक है, गॉट इट, सो ये है, ठीक है, सो दिस वे वी कैन क्रिएट अ फाइल, वी कैन रीड अ फाइल, वी कैन राइट अ फाइल, ओके, और वी कैन क्या, अच्छा एक मिनट, अगर इसको ऐसे हटा दूं मैं तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा क्या, लेट मी डू दिस, नहीं देखना पड़ेगा यार क्योंकि सेम प्रोग्राम ऊपर चल रहा है, तो मैं एक बार देख लूंगा कुछ, पता नहीं समझ में आ रहा फिलहाल तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ होगा कई बार समझ में नहीं आता देखने पर, एक बार फिर बार बार वही चीज में कर रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है ना, देखूंगा तो ही पता चला है क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि सेमी प्रोग्राम बार बार लिखना था ना वही दिमाग में आता रहता है, कुछ इशू होगा, आई विल सी अगेन, ठीक है, तो देखो यू द टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल इज इजी, टेक्स्ट फाइल इज रीडेबल, एनीवन कैन रीड इट एंड ऑल, लेट्स गो फॉर टॉकिंग अबाउट बाइनरी, ठीक है, देखो जैसे तुम्हारा इमेज है, ओके इमेज है या फिर ऑडियो डेटा है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, बाइनरी फाइल में, जैसे एआई वगैरह जब पढ़ते अगर तुम लोग पढ़ोगे तो वहां पे हम बाइनरी फाइल की डील करते हैं, ठीक है, जो हम ऑडियो है सब बाइनरी फाइल में होती है, ठीक है, सो लेट्स सी हाउ कैन डू विद पाइथन, सी बाइनरी फाइल, देखो बाइनरी फाइल जैसे इमेज है, मान लो जैसे देखो ये इमेज है, अच्छा ये पीआईएल लाइब्रेरी होती है, डोंट वरी अबाउट दिस, मैंने ये तुम्हें दिखाने के लिए सिर्फ दिखाया है कि दो मेरे पास इमेज है, डॉक्टर डिप्टी क्या हुआ, डॉक्टर डिप्टी इज नॉट अवेलेबल,
ओ माय गॉड, आई डिड वन मिस्टेक. सी देखो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, सी दिखाता हूँ अभी, डोंट वरी. एक्चुअली देखो देखो एक पीआईएल लाइब्रेरी होती है, पहले ये देखो एक पीआईएल लाइब्रेरी होती है. तो जैसे इमेज नाम से मेरे पास एक जेपीजी पीएनजी फाइल है, इमेज है, तो उसको मैं रीड कर सकता हूँ डायरेक्टली. देखो यहाँ पर रीड कर लिया. देखो इसको मुझे, अगर इस फाइल को मुझे पाइथन में रीड करना हो, देखो मैं क्या कैसे करता हूँ. एफ वन ओपन इमेज डॉट पीएनजी आरबी रीड बाइनरी. ओके सो देखो ये रीड किया, मैं रीड मोड में खोला और देखो ये पूरी बाइनरी फाइल, पूरा इमेज आ गया. ये इमेज है पूरा, ठीक है. दिस इज द इमेज. लेट्स गो फॉर, इसको मैं केवन डॉट रीड में सेव कर लिया. अब देखो एफ टू ओपन करता हूँ. एफ टू है डॉग डॉट जेपीजी, ठीक है. सी एफ टू है डॉग डॉट जेपीजी. अब चाहो तो तुम इसमें ना इसको राइट राइट भी कर सकते हो, एक इमेज को दूसरे इमेज में राइट किया सकता है, ठीक है. व्हाट इज दिस, पाथ नहीं मिल रहा है, कांट आइडेंटिफाई द फाइल जेपीजी. जेपीजी देखा, इसका फॉर्मेट होगा कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक है. सो बस ये पीआईएल लाइब्रेरी होती है, इसको चाहो तो रीड कर सकते हो इससे, बस इसको हटा दो, ठीक है. अब देखो जैसे यहाँ पे ये इमेज है, लाइक इमेज डॉट पीएनजी, ये इमेज मेरे उसमें बड़ी होगी मेरे डेस्कटॉप पे, तो मैं उसको रीड कर रहा हूँ. अब इसको ये इमेज इसको छोड़ दो, ये बस दिखाने के लिए था, मेन चीज ये था ओपन करने के लिए. इसको जब ओपन करके रीड मोड में, राइट मोड में, जब राइट रीड मोड में तो आर बी, राइट मोड में तो डब्ल्यू बी, बी फॉर बाइनरी फाइल. बस समझ में आ गई. तो देखो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इवन ऑडियो फाइल को भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सेम चीज. बट अभी आपके काम का नहीं है, अगर खोलोगे भी तो अभी क्या ही कर लोगे उससे. जब एआई वगैरह करते हैं ना, तो हमें ऑडियो को लर्न करना पड़ता है. जैसे तुम्हारी आवाज को मैं लर्न करा दूं मॉडल को, तो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये साक्षी बोल रही है, ठीक है. ये बहुत सिंपल होता है इस तरह का मॉडल बनाना, नॉट अ बिग डील. सो एनएलपी जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसी में वर्क होता है. जो ऑडियो टेक्स्ट है, टेक्स्ट डेटा भी अलग होता है, ऑडियो पर अलग होता है, उसमें आरएनएन यूज होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, छोड़ो वो सब चीजें. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सिंपल चीज है, ये है रीड राइट करना, वो सब चीजें, ठीक है. तो ये बहुत आसान है. अब देखो अब जो बचेगा कि हम इसके डीप में जाए, ठीक है, फाइल हैंडलिंग के, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आशीष वगैरह नहीं है अभी, ठीक है. तो वो रेगुलर में आता है, तो वो आएगा लाइक मंडे को, तो हम लोग करेंगे उस टाइम पे, ठीक है. ये सिंपल है, वो वीडियोस देख लेगा, मैं उसको शेयर कर दूंगा. तो हम वो करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे जीयूआई में. आप सोचो मैं एक चीज सुन लो ध्यान से, जीयूआई बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है. एक होता है टीके इंटर, है ना. अगर आप लोग कहोगे तो मैं टीके इंटर बताऊंगा, नहीं तो एक और होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलीट, ठीक है. वो बहुत ही फेमस है, फेमस मतलब नाउडेज, और लोग उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है. वो सीधे वेब पे जाता है, ठीक है. टीके इंटर इस बहुत ओल्ड वर्जन है ना, है ना. तो अगर तुम लोग कहोगे तो मैं स्टिकेंटर पढ़ाऊंगा, अगर कहोगे तो स्ट्रीमलीट पढ़ाऊंगा. स्ट्रीमलीट बहुत ही शानदार है, मशीन लर्निंग एआई में जब डिप्लॉयमेंट होता है ना, तो स्ट्रीमलीट पे ही करते हैं, ठीक है. सीधे वो वेब ऐप बनता है, वेब सीधे वेब पे जाता है, ठीक है. सो तुम लोग देख लो ना क्या पढ़ना है. अगर कहोगे कि टिकेंटर करना, तो टिकेंटर कराऊंगा. अगर लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि वही करना चाहिए स्ट्रीमलीट, क्योंकि अभी वो डायरेक्टली सर्वर पे इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है, सर्वर पे डिप्लॉय हो सकता है. जितने एआई अगर किसी को करना है, मशीन लर्निंग करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी, ठीक है. सो इवन जैंगो भी जाना है तो भी, जैंगो की तरह ये फ्रेमवर्क है. क्या चीज, फाइल शेयर कर दूंगा ना अभी ग्रुप में. अच्छा कर लो तो ठीक है यार. सो करेक्ट सभी को. तो हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे. कौन सा ये फाइल अभी शेयर कर रहा हूँ ना, देख लो ना पूरे उसमें, ठीक है. ओके डन. किसी को डाउट है कुछ भी तो पूछो एक बार. क्या नाम है ज्योति, वो प्रोजेक्ट देख लेना, ठीक है, उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. और फाइल उसके पास पड़ा होगा ना, सुबी के पास, उसका रिपोर्ट अगर चाहिए होगा तो रिपोर्ट है, तो मैं देख लूंगा, अगर मैंने पढ़ा तो मैं दे दूंगा. सर आपने सेंड कहाँ पे किया है, मेल पे किया है क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे किया तुम्हें? व्हाट्सएप पे नहीं आया सर। नहीं आया यार, चोर कर दिया क्या? एक मिनट रुको, जरा मुझे मैसेज करना एक बार. अच्छा ज्योति नाम से एक और स्टूडेंट है ना, उसको भेज दिया है. सॉरी जरा मैसेज करना.